हरी भरी पहाड़ियों के बीच विस्परिंग हिल्स का कस्बा दोपहर के सुनहरी धूप में नहा रहा था। हवा में हनीसु कलावर ताजा कटी घास की मेक थी। एक हल्की हल्की हवा चल रही थी जो पुराने बुलवत के दरख्तों के पत्तों से सरगोशी करती हुई गुजर रही थी, जो खामोश गलियों के किनारे कतार दर कतार खड़े थे। यहाँ जिंदगियां एक सिस्त रफ्तार से चलती थी, जहां वक्त वैल्यू क्रीक के सिस्त भाव की तरह बतहवा महसूस होता था जो शेर के दिल से गुजरता था। बाशिंदे जिनकी जिंदगियां नस्लों से एक दूसरे से जड़ी हुई थी, रवायत में जकड़े हुए एक बंधन में शरीक थे। उनकी आनिया हवा में सरगोशियों की तरह बखरी हुई थी, जैसे तारीख आसमान तले राजों का तबादला किया जाता है। अली एक निवान जिसकी आंखें गर्मियों के आसमान की तरह नीली थी और एक ऐसी ग्रह जवाए कमरे को रोशन कर सकती थी, अपने खानदान के फैले हुए फार्म हाउस के बरामदे पर खड़ा था। अस्कींगाहें दोरी में खोई हुई थी। बादल का ख्वाब दिखने वाला था। अस्कासर दूर दराज की जमीनों और महमजुई की कहानियों से भरा हुआ था। जविया अस्के लंबे सियाबाल अस्की पीठ पर रेशमी आबशार की तरह गिर रहे थे। अस्की हंसिया इतनी ही रोशन थी जितनी सूरजमुखी वास के खानदान के बाग में खलती थी। शहर के चौक में टहल रहे थी। अस्कादल असलदन के वादे से हल्का था वह फजलावर मौरहर बानी काम जिस्मा थी। अस्की रोहा इतनी आजाद थी जितनी पर नंदे जो सरगोशी करने वाली पहाड़ियों के ऊपर अड़ते थे। उनकी राहें जब एक दूसरे को पार करने के लिए मुकद्र थीं, कस्बे के सालाना समर फेस्टिवल के मुतहरक नक्शे के दरमियान मिलने वाली थी। हवा आमीद से चटकर रही थी। रोई की कैंडिया और पापकार नकी खुशबायक मकामे बैंड की हनों के साथ मिल रही थी, जो अपने आलात को ट्यून कर रहे थे। गलियों में हंसी गूंज रही थी। क्यों निखेबचे एक दूसरे का पीछा कर रहे थे। इनकी खुशी की चीखें मासूमियत की अलामत हैं। ये त्योहार बरादरी और रवायत का जश्न एक मोहब्बत की कहानी का पस मंजर बनने वाला था जो विस्परिंग हिल्स की बुनियादों को चैलेंज करेगा। जैसे हसूर जगरूब होना शुरू हुआ, हजूम वाले चौक में लंबे साए पड़ते गए। अलिया और जोविया ने खुद को तकरीबात के मरकज की तरफ खींचते हुए पाया। इनकी नजरें हजूम वाली जगह पर मिली। वक्त जैसे रहा गया हो, उनके अर्द गिर्द की दुनिया अपनी हमी तक होती जा रही है, जैसे जैसे इनके अंगाहें बंद होती जा रही। इस्लम है में उनके दरमियान कुछ मका एक ऐसा ताल्लुक जो अल्फाज से बालातर था, एक ऐसा एहसास जो सुनता और ख्वाबों के पूरा होने का था। मौसीकी उनके अर्द गर्द घूम रही थी, बेल और बेंजू का एक मुतहर्रक इम्तिजाज जिसने उनकी धड़कनों को तेज कर दिया। अस्सलाम अलैकुम, मैंने आपको यहाँ पहले कभी नहीं देखा। क्या आप विस्परिंग हिल्स में नहीं हैं? नहीं, मैं सारी जिंदगी यहीं रही हूँ। मैं जविया हूँ, मेरे खानदान की चौक के पार बेकरी है। जविया की ताबनाक मुस्कुराहट पर मबहूत अली ने महसूस किया खास के अंदर हमत का एक झोंड का दौड़ हो रहा है। इसने हजूम में अपना रास्ता बनाया। इसका दलास के सीने में ढोल की तरह धड़क रहा था। जविया इसकी आंखें एक ऐसे जज्बात से चमक रहे थे जिसे वह बालकल नहीं समझ पा रहे थी। इसे करीब आते देख रहे थी। इसकी सांस सांस के हल्क में फंसी हुई थी। दुनिया तंग हो गई। सिरफान के ताल्लुक के शिद्दत पर तवज्जो मरकूज की। अली, मेरे खानदान का शहर के बाहर वाले इलाके में फार्म है। जैसे हयान की अंगलियां छोती हैं, बिजली का एक झटका एक झुट उनके दरमियान से गुजरता हुआ महसूस होता है। उनके रीढ़ की हड्डियों को झंझोड़ देता है। उनके इर्द गिर्द की दुनिया धुंधला गई। त्योहार का शूरा और हंसी दौर की गूंज में बदल गए। उन्होंने घंटों बातें की, अपने ही छोटे से बलबले में खोए हुए। अली जविया की जहानता और जहानत से मशहूर होकर खुद को उसकी गर्मजोशी और मेहरबानी की तरफ मुतवज्जा पाया। जविया अली की महमजुई की भावना और उसकी आंखों में ख्वाबों के अचमक से मुतवज्जा होकर उसके सच्चे दिल से एकानकार नाकाबिल राब महसूस करती थी। जैसे जैसे शाम ढलती गई, उन्होंने कहानियां हिंसिया और चुरीच पे नजरें बांटे। हर गुजरते लम्हे के साथ आन का ताल्लुक गहरा होता गया। आने वाले दिन चुरीच पे नजरों और खफिया मुस्कुराहटों का एक धंधला साक्ष थे। अली को बेकरी जाने के बहाने मिलते। जविया को काउंटर के पीछे देखकर अस्कादल धड़क जाता। उसका उसके हाथ आटे से अटे हुए थे, क्योंकि हापने खानदान के मशहूर सिपाही तैयार करती थी। जविया सोचों में गम होकर पेस्ट्री केटरे का बंदोबस्त कर रही थी।
खुद को थवार के धने गिंगनाती हुई पाती, इसका जहनान की गफ्तगू के टिकड़ों को दहरा रहा था। उनके रास्ते हर जगह एक दूसरे को पाकड़ते हुए नजर आते लाइब्रेरी में, जहां वो हाई के किताबत के पहुंचने के लिए हाथ मिलाते, शहर के चौक में जहां उनके नजरें हलचल मचाने वाली मंडी में मिलती थीं। उनकी मुलाकातें अगरचे हम खतसर थीं, एक ना गुफ्ता बिजली से चार्ज होती थीं। उनके खानदानों की तारीख काउजनान के दरमियान लटका हुआ था, एक ऐसा पोशीदा हाजिज जिसने उन्हें करीब भी किया और उन्हें फा रने की धमकी भी दी। उन्होंने असच मनी का जिक्र करने की हिम्मत नहीं की जिसने उनके खानदानों को नस्लों से तकसीम किया था। एक दुश्मनी जूजमीन के तनाजा तावर फखर में जड़ी हुई थी, अस्केठानियां उनकी जिंदगियों के हर कोने तक पहुंचती थी। फिर भी नागफ्ता तनाव के बावजूद उनका ताल्लुक गहरा होता गया। उन्होंने अदब के लिए मुश्तरक जज्बे दरियाफ्त किए, उनकी गफ्तगुआन के पसंदीदा शेरा और मुसन्नफीन के हवालों से भरी हुई थी। उन्हें एक दूसरे की सहबत में सुकून मिला, तौकात के वजना वरसाए की तरह का पीछा करने वाली सरगोशियों से पनाह मिली। इनकी मोहब्बत इनके खानदानों की दुश्मनी के कांटों के दरमियाना एक नाजुक फूल, एक ऐसा राज था जिसकी आनों ने सख्ती से हिफाजत की। वो जानते थे कहां के खानदान कब इन्हें समझेंगे, कहां की मोहब्बत को गहरी तरह किस्म की गदारी समझा जाएगा। लेकिन खामोश लम्हात में जवानों ने शिया किए तारों से जड़े आसमान के नीचे यासरगोशी करने वाले खेतों के दरमियान उनकी मोहब्बत वाहद सच्चाई की तरह महसूस होती थी जो मनेर खती है। अलियावर्जुया के खानदानों के दरमियान दुश्मनी वक्त की तरह पुरानी कहानी थी जो नस्लों से एक कीमती वर्षे की तरह गुजरती रही। उसका आगाज एक मुतनाज़ प्रॉपर्टी लाइन से हुआ था, एक गलतफहमी जो नाराजगी में बदल गई जो फखरावर्जत से भरपूर थी। सालों के दौरान दुश्मनी बढ़ती गई, मामूली झगड़ों और सरगोशियों से भरपूर इनकी मिस्टर के तारीख के किन्वे को जहर आलूद करती। राइट, इसने ज़ोविया के खानदान के हाथों होने वाली ज्यादतियों का जिक्र किया। इसकी आवाज में जहर घुला हुआ था क्योंकि इसने गदारी और धोखा दही की कहानियां सुनी। अली अपने वालिद की तालीमात और अपने दिल में हलचल के दरमियान फंसा हुआ इस मौरवसी दुश्मनी के वजन से नबर्द आजमा था। उसने दिल टूटने और धोखा दही की बात की। उसके अल्फाज अली के आबाओ अजदाद के हाथों इनके खानदान पर होने वाले दर्द की अकासी करते हैं। ज़ोविया अपनी माँ के खौफावर अली की तरफ अपनी तरफ वजह होने वाली गैर मामूली की शिके दरमियान फंसी हुई, खुद को एकदार रास्ते पर चलती हुई पाई, इसका दिल वफादारी और मोहब्बत के दरमियान फटा हुआ था। दुश्मनी एक सियाह बादल जो विस्परिंग हल्स पर छाया हुआ था उनके पंपते हुए रोमांस पर एक लंबासा यह डालता है। यह एक मुस्तकिल मौजूदगी थी, उन्हें जुदा करने वाली खलीज की अददहानी नस्लों की तलखी से खड़ा क्या गया एक हाजिज। इनकी खुफिया मुलाकातें खुशियाँ और ताल्लुक के चोरिश दहल महात अन पर छाए हुए तूफान के तलखुशीरें एहसास से रंगे हुए थे। एक ऐसे शहर में जहां हर सरगोशी और नजर सदियों पुरानी नाराजगी का वजन उठाए हुए है, अली और ज़ोविया ने खुद को एक ममनुआ मोहब्बत में फंसा हुआ पाया। उनका डांस खानदानी वकार की बारीक लकीर पर एक नाजिक डांस था जहां हर कदम उन्हें करीब ला सकता है या उन्हें हमेशा के लिए फाड़ दो। तो वीर दुश्मनियों के साय में उम्मीद की एक करण चमकती है, जैसे अली और ज़ोविया तमाम मुश्किलात के खिलाफ खुद को एक दूसरे की तरफ मुतवज्जे पाते हैं। उनकी मोहब्बत कांटों के मैदान में एक नाजिक फूल है। ज़ोविया, क्या तुम कभी सोचती हो कि ऐसी दुनिया हो सकती है जहां हमारे खानदानों का माजी हमारे मुस्तकबिल का तयीन न करे? हर रोज अली, हर रोज मेरा ख्वाब है एक ऐसी जगह जहां मोहब्बत ही तमाम जख्मों को मंदल करने के लिए काफी हो। जैसे जैसे वक्त का दरिया बहता है ये अक्सर अपने साथ माजी के मलबे को ले जाता है, लेकिन कभी कभार ये मुफाहिमत और अमर अमन के इम्कान को साहल पर ले आता है। अपने कंधों पर अपने खानदानों की मिरासों के वजन के साथ अली और ज़ोविया एक दौराहे पर खड़े हैं। वो जो रास्ता चुनेंगे
वो एक टूटी हुई बरादरी को दुरुस्त कर सकता है या तकसीम को गहरा कर सकता है। ये आसान नहीं होगा ज़ुविया, लेकिन मेरा मानना है कि हमारी मोहब्बत हमारे खानदानों को एक साथ ला सकती है। मुझे भी यकीन है अली, हमें वो तब्दीली बनना होगी जो हम देखना चाहते हैं। जैसे जैसे माजी की गूंज गूंजती है, अली और ज़ुविया की मोहब्बत को चुनने की हिम्मत बहुत से लोगों के दिलों में उम्मीद की सरगोशी करती है। उनकी कहानी मिराथ पर मोहब्बत की ताकत का सबूत है।